हाँ भाई नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में फटाफट से सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया और उम्मीद करता हूँ कि दो दिन से बढ़िया मौज ले रहे होंगे आप हाँ भाई दो दिन से बढ़िया मौज ले रहे होंगे बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे बैठ के आराम से लगता तो मुझे ऐसा ही है हाँ भाई मोहित राम राम सवानी राम राम भैया राम राम सभी को राम राम और बाकी के हाँ भाई गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग किसी प्रकार की किसी कोई समस्या है तो बता दीजिए और वैसे तो मुझे पता है कि अब जो दो तीन दिन का गैप आया आपका और उसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ऐसा मैं कह सकता हूँ आपसे ठीक है कहीं पे गए तो नहीं थे खैर ठीक है कहीं पे गए नहीं थे बस वही छोटे मोटे काम कर रहे थे ज्यादा कोई काम नहीं था ठीक है वही टेक्निकल चीजों के बारे में कहीं चले गए थे यार और तो कुछ नहीं ठीक है चलो हाँ भाई दिशांत सभी को गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आराम से मस्त बैठो पढ़ाई करो और जो लास्ट लेक्चर था वहाँ तक आपने शायद रिवीजन कर लिया होगा ये जो एक दो दिन का गैप आया था आपके बीच में इन गैप के बीच में पढ़ाई आपने करी होगी क्योंकि आपको पता है रिवीजन का टाइम बहुत कम मिलेगा आपको तो रिवीजन के टाइम को कवर करने के लिए आपको इन सभी मौकों को छोड़ना नहीं है ठीक है इन मौक़ों को पकड़ लेना है ठीक है तो एक छोटा सा मोटिवेशन कोड आपके सामने पेश करना चाहूंगा मैं मोटिवेशन कोड क्या है ये देखो ध्यान सुनना कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है समझ में आया आपको नया समझ में दोबारा पढ़ते हैं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा परिंदा कह रहा है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है जमीन नहीं है मेरी मंजिल अभी तो पूरा आसमान बाकी है भैया तो अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ी है एल चल रही है और डायनेमिक्स अभी पढ़ना बाकी है तो सोचिए कि अभी जमीन नहीं है टार्गेट, हमारा टारगेट हमारा टारगेट है आसमान तैयार हो सभी बच्चे ठीक है चलो भैया अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा चलो इन्फॉर्मेशन दे देते दे किसके लिए प्रियंका कुछ पूछा ही नहीं अब बताओ किसकी इन्फॉर्मेश अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देते दे हाँ इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी आपको कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ छुट्टी वुट्टी ठीक थी। है वो क्या आतंक फैल जाता है इसलिए मैंने कुछ लॉकडाउन की सूचना दी नहीं पहले चलो हाँ भाई तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ और जिसका नाम है ग्रुप अब देखो एक बात हो आपको सीक्रेट बता देता हूँ आपको सीक्रेट नहीं सीक्रेट सीक्रेट बात यह है कि अभी तक जितना पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया ये मैंने पढ़ा दिया ना पीछे उनमें से आपको आठ प्लस आठ मार्क्स का हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा आज के लेक्चर को भी इसमें काउंट कर लेना ठीक है क्योंकि वैसे देखा जाए तो यार अब जितना करो उतना कम है ठीक है लेकिन फिर भी फिर भी क्या है कि भैया मन नहीं मानता ना यार क्योंकि बहुत सारे टीचर तो अब देखे मैंने जैसे अधिकतर बच्चे जो अपने कोर्स ज्वाइन करते हैं ना जैसे आई स्टडी ऑनलाइन है और अपना संभव इंस्टीट्यूट है ठीक है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो हालांकि उनके कंपैरिजन में अपन बहुत छोटे हैं ठीक है लेकिन बात यह है कि जब मैंने उनका कोर्स देखा देखना पड़ता है ओबली भाई आस पास के जो कॉम्पिटिटर हैं उनको देखो देख के फिर क्या उनकी कंडीशन है उसके हिसाब से काम करो अब जब मैंने उनका कोर्स देखा तो मुझे लगा कि यार इन्होंने बच्चों के साथ में किया क्या है हालांकि यार देखो बच्चों को कुछ पता नहीं है अब थर्डर में आ गए ना अब कुछ नाम मात्र के बच्चे ऐसे जिनको पता है कि अपना सिलेबस इतना बड़ा है ये टॉपिक उसके अंदर है बाकी किसी को पता नहीं है कि अपना सिलेबस कितना है उन्होंने कुछ भी नहीं करवा रखा मतलब दस लेक्चर में एल खत्म ठीक है अब उसमें से एग्जाम में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है कुछ भी पता नहीं है सोचो अब मैंने आपको इतना पोषण करवा दिया ना इतना पोषण करवाने के बावजूद भी अब थोड़ा डाउट है कि पता नहीं कई सवाल अलग से आ जाए तो हालांकि शक की कोई दवाई नहीं है लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कई बच्चे जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो यही सोचते हैं कि इससे बाहर आ गया तो क्या करेंगे अरे वो तो बात की बात है ना नहीं आएगा बाहर लेकिन फिर भी सोचते हैं हम कि बाहर से आ गए तो अब फिर वहां पे जो बच्चे पढ़े हैं वो क्या करेंगे इस हिसाब से तो उनके जीरो जीरो नंबर आएंगे बात समझ में आ रही है ना तो थोड़ा सा क्या है कि देख लिया करो अपने आस पास भी बच्चे कह देते हैं कि गुरु जी आपने वो टॉपिक नहीं करवाया अरे यार मैंने जितना करवा दिया ना उतना पढ़ लेना बस क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सौ परसेंट आता है दो हजार मार्क्स का जो नंबर का पेपर होता है आपका इंटरव्यू सहित उसमें से एक हजार भी आप लेके आते हो ना एक हजार एक हजार पचास भी नंबर वन रैंक आती है ऑल इंडिया आपकी नंबर वन रैंक फिफ्टी परसेंट पढ़ने पे सौ परसेंट कभी मत पढ़ना ये मैं आपको बता दू क्लियरिटी किसी भी एग्जाम के लिए क्योंकि सौ परसेंट पढ़ने जाओगे ना तो मामला फैल जाएगा रायता पढ़ तो लिए लेकिन हजम करना बहुत बड़ी बात होती है खा तो लिए खाना लेकिन हजम करना बड़ी बात होती है ना उसको रिविजन कैसे करोगे टाइम ही नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये है टाइम ही नहीं है तो टॉपिक पढ़ो सेलेक्टेड पढ़ो उनका बार बार रिविजन करते रहो ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का उसको अच्छे परसेंटेज नहीं चाहिए आपको अस्सी नब्बे नहीं चाहिए आपको लेकिन अस्सी नब्बे से पहले साठ को कंफर्म करो पचास को कन्फर्म करो पैंतालीस कन्फर्म करो कि मेरी पैंतालीस बन जाएगी प्रैक्टिस के मुताबिक देखो आप अब जो बच्चा लगातार डेली की एक घंटे दो घंटे तीन घंटे प्रैक्टिस कर रहा है ना अभी ईमानदारी बात है कमेंट में लिख देना कि कौन कौन कर रहा है जो बच्चा डेली की दो घंटे तीन घंटे प्रैक्टिस कर रहा है ना वो बच्चा खेल जाएगा बीएससी के एग्जाम में और बाकी जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे केवल नोट्सों को देखते हैं और इधर उधर भागते हैं मैं उनके साथ मैं उनसे बोलना चाहूंगा पर्सनली कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है ठीक है बात समझ में आ रही है आपको नहीं करोगे प्रैक्टिस धोखा होगा आपके साथ और ये मैं अभी बता देता हूं आपको अब आप नहीं मानो तो आपकी इच्छा है बाकी अब मान लो अभी तो फिर आपके लिए बहुत फायदा बात भैया ठीक है देख लेना अपने हिसाब से जो प्रैक्टिस करता है अच्छी बात है जो नहीं करता है और भी अच्छी बात है अगले साल मेरे पास ही आओगे पैसे कम कर देंगे आपके कोर्स ज्वाइन कर लेना ठीक है चलो तो एक बार कमेंट करो ना मैं थोड़ा पानी पीता हूँ <coughs> दो तीन दिन से क्लास नहीं ली मैंने तो क्या अभी मैं दो तीन क्लास ली थी आज मैंने तो गला पता नहीं बैठ गया यार और लास्ट आपकी क्लास रहती है थोड़ा सा जोश कम रहता है ठीक है बिल्कुल मोहित दिशांत ठीक है हम आपको बताएंगे पर्सनली अभी आज ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें अनाउंसमेंट करेंगे अपन एक जनवरी को एक वीडियो आपको मिलेगी कंप्लीट वीडियो मिलेगी उस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा इस प्राइस के अंदर जो पाँच सौ रुपये में अपने कोर्स खरीदा है ना बहुत कुछ देने वाला हूँ मैं कभी भी किसी बच्चे को मैं हंड्रेड परसेंट नहीं कर सकता इस बात का ध्यान रखना आप लेकिन मेरी तरफ से मैं हंड्रेड दूंगा इस प्राइज रेंज के ऊपर बहुत ही शानदार दूंगा ठीक है ये मान के चलो कि आप खुश हो जाओगे कि गुरु जी इतनी कम प्राइज में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो और इतना कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हो कोई नहीं देगा मेरी तरफ से कंप्लीट बहुत कुछ मिलेगा अभी कल मैं एक अनाउंसमेंट और करने वाला वालों जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा ठीक है वो मैं कल कर दूंगा कल या परसों के दिन मिल जाएगा परसों इकतीस है ना एक को मिलेगा एक तारीख को वो वीडियो आएगी आपके पास तुरंत में आज कल कर लूंगा ठीक है एसपी शर्मा कैसे नोटिफिकेशन डाला था मैंने आज मैं लगातार तीन से चार नोटिफिकेशन डालता हूँ लगातार एक ही क्लास के अब आपके पास पहुँचता कि नहीं पहुँचता वो तो फिर डिपेंड करता है यार आपने क्या पता नोटिफिकेशन बंद कर रखे हों तो ये भी हो सकता है ना हाँ भाई मैं पानी वानी पी लेता हूँ तब तक आप बैठो आराम से सामने थ्योरम लिखिए पढ़ लो पीछे का पढ़ना है पीछे का पढ़ लो पास में छोटा सा प्रोग्राम था यार वहाँ पे जीव में चले गए अब लाडू पूरी ज्यादा खा लिए यार खड़ा ही रहने की बस की नहीं है क्या करें बताओ लेकिन आज की जो क्लास है ना वो भरपाई करने वाला हूँ मैं दो दिन की भरपाई करूंगा मैं ठीक है हाँ, बिल्कुल ठीक है बेस्ट कंटेंट है ये आप अपने आपको भी विश्वास दिला दो ठीक है ना हाँ भाई चलो अब मैं आगे चलता हूं अब अपन मस्त होके अपनी पढ़ाई को मतलब चालू करते हैं थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी जरूरी है चलो अब मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं मान के चल रहा हूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट के पूरे लॉजिक पूरे कॉन्सेप्ट आपके कदमों में है और अब हम किसी भी सवाल को हवा में उड़ा सकते हैं एक बार उस सवाल का तरीका सीख लो उसके बाद में बिना देखे उस सवाल को कर दो जय श्री श्याम राधे राधे ठीक है चलो सिद्ध सिद्ध कीजिए यदि जी स्टार एक आभेली ग्रुप है पहला वर्ड आया हमने पकड़ा इधर आ भैया शैतान है तू ज्यादा आ आभेली आबेली क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा ठीक है तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी तथा पूर्णांक एन के लिए आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ठीक है तो सेकंड आपको यहां पे बोल दिया गया है कि ये आपको प्रूफ करना है प्रूफ क्या करना है भैया प्रूफ आपके सामने है कि आपको ए स्टार बी की पावर एन जो है इस दी क्वालिटी में आपको लेके आना है ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन ये आपको लेके आना है ठीक है इस बात का ध्यान रखना अब देखो यार सिंपल सी बात है मजाक की बात है आभेली का मतलब क्या होता है आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोमेटेटिव प्रॉपर्टी कर्म विनिमिता गुणधर्म एक ऐसा ग्रुप एक ऐसा समूह जो अपने साथ में कर्म विनिमिता गुणधर्म को भी रखे उसे कहते हैं कमेटिव प्रॉपर्टी ठीक है हाँ भाई एस पी शर्मा कह रहे हैं कि सर वो क्वांटम फिजिक्स की नोट नंबर फोर्थ की कंप्लीट पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं मज़ाक कर रहे हो इन नोट नंबर फोर्थ की कंप्लीट पीडीएफ नहीं है अगर होती तो मैं डाल देता उन सर ने तीन या चार लेक्चर लिए हैं पांच लेक्चर हो गए कल छठा आ जाएगा सात आठ में वो नोट खत्म ठीक है तो चार पांच लेक्चर के जितने भी पीडीएफ थी ना वो सर ने डाल दी है चेक कर लो बहुत ही शानदार पीडीएफ है ये मान के चलो कि जो नोट्स मैंने दिए ना आपको क्वांटम फिजिक्स के एक नंबर नोट्स हैं वो पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा आपको शानदार क्वांटम फिजिक्स के बेस्ट नोट्स हैं वो अपने राजस्थान की जितनी भी कोचिंग क्लासेज हैं ये मान के चलो कि बेस्ट है सबसे वो हर तरीके से और जो नए सर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ना क्वांटम की के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्या राइटिंग है यार उनकी सर की आप देखो एक बार शानदार नोट्स हैं पढ़ाने का तरीका भी शानदार है थोड़ा सा क्या है कि हेजिटेशन जो है ना वो थोड़ी सी क्या है कि आ, है उनके पास अभी वो खुल जाएगी जैसे मैं हूं अब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो बातचीत करने में कुछ हेजिटेशन नहीं है कुछ भी बोल दूँ मैं कुछ भी अब देखिए वर्ड है ना अब क्या स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि मैं कुछ ऊपर नीचे बोल दूं तो यार क्या होगा बच्चे क्या सोचेंगे अब मुझे पता है बच्चे कुछ भी नहीं सोचेंगे ठीक है तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं है मैं कुछ भी ऊपर नीचे बोल देता हूँ वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन जब शुरुआत करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है तो बस वो है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई पाँच लेक्चर हो गए लेकिन आप देखना आपने पूरे पाँच लेक्चर ले लिए क्या अगर ले लिए तो वह तो अच्छी बात है बाकी पाँच लेक्चर में काफ़ी पढ़ा दिया है उन्होंने ऐसी बात नहीं क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर हैं ऐसे नहीं कि पंद्रह पंद्रह बीस मिनट के लेक्चर हैं कम से कम तीन लेक्चर तो एक ही घंटे के हैं और बाकी पचास पचपन मिनट के लेक्चर हैं ठीक है चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि यार आभेली का मतलब तो होता है कर्म विनिमय प्रॉपर्टी अब कर्म विनिमय प्रॉपर्टी क्या होती है हमने सीखा था कि ऐसी प्रॉपर्टी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए ये प्रॉपर्टी होती है कर्म विनिमता की प्रॉपर्टी ज्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगा ठीक है अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ इसको प्रूफ करना है ठीक है चल तो भैया आया प्रूफ दैट जीकोम स्टार इज एन अभिलीन ग्रुप अब आपको पता है अगर जीकोम स्टार एक अभिलीन ग्रुप है तो पांच प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कौन सी करेगा मुझे पता नहीं है और ये आपको प्रूफ करना है चलो भैया अब फॉर्मेलिटी आप कर लेना ठीक है केस नंबर फर्स्ट और एक और बात बीच में थोड़ा सा भूल गए थे बताना इसमें एक और बातचीत कही गई है छोटी सी बात है उसको आप स्टार करके लिख लेना कि मेरे पास यहां पर जो ये एन है ना एन ये मेरे पास में क्या है पूर्णांक संख्या है पूर्णांक और पूर्णांक मतलब क्या होता है भैया इंटीजर नंबर इंग्लिश में कहें तो अरे मतलब वे संख्याएं जो प्लस और माइनस दोनों तरफ चलती हैं उन्हें कहते हैं इंटीजर पूर्णांक कोई भी मैथमेटिक्स में कोई टर्म नाम लो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखना ये मैंने मिटा दिया चलो अब यहां पे हम केस नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं आओ भैया यदि एन बराबर जीरो हो तो वो कंडीशन देखते हैं भैया बार वो कंडीशन पढ़ी थी कि मेरे पास में ए स्टार बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर जीरो स्टार बी की पावर जीरो अब हमने कहा कि भाई एन बराबर जीरो के लिए काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है यहीं पे लिख दो यार क्यों फालतू तो मेहनत करते हैं तो यहां पे हमने कर दिया भैया जीरो तो हमने देखा कि यार बी की पावर जीरो और की पावर जीरो स्टार बी की पावर जीरो अब आपको पता है किसी भी एलिमेंट का पावर करेंगे ठीक है अब देख देखो हिसाब सी बात है पावर करने के बाद क्या आएगा भैया जीरो करने के बाद वन ही आएगा और वन क्या है वन एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमने कहा कि ई बराबर ई स्व सत्य है यह कथन एन बराबर जीरो के लिए सेटिस्फाई हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड और आपकी राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर आ चुकी है ठीक है यार अब यही स्टेटमेंट हम यहां पे एन बराबर या फिर आप कह सकते हो कि एन का जो मान है वो ग्रेटर देन जीरो के लिए के चलते हैं ठीक है मतलब एन का मान एक जीरो से बढ़ाएगा वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है ठीक है और आपको पता है एन बिलोंग टू कहाँ पे भैया इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याओं में इस बात का ध्यान रखना ठीक है चलो तो अब यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हो भैया एन जीरो से बड़ा है तो भैया एन का मान एक ले लूँ मैं तो ए स्टार बी की पावर वन बराबर ए की पावर वन स्टार बी की पावर वन तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो भी आपकी बराबर है यह स्वम सत्य इट इज सेल्फ ट्रू यह कथन एन बराबर एक के लिए सत्य है स्टेटमेंट फॉर बराबर ठीक है अब यहां पे हमने कहा कि माना यह कथन एन बराबर के के लिए सत्य है और जैसे ही मैंने यहां पर एन बराबर के का नाम लिया आपके दिमाग में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन की कुछ इमेज दिमाग में बन गई होगी अब देखो जनरली सबको पता है कि वॉट इज द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है सबको पता है लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या होता है मुझे पता नहीं है अरे भैया पता नहीं है तो बता रहे हैं और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा इलेवंथ में भी आपने पढ़ लिया था और छोटी क्लास में भी आपने पढ़ लिया था ये लेकिन मैं तो ताजी बात करूंगा ना मतलब फर्स्ट ईयर की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा आपने और इस गणितीय आगमन सिद्धांत के अंदर हमने क्या करते थे कि जैसे कि एन बराबर, वन के लिए उस हो था। एन बराबर के के लिए हम लेट करते थे मानते थे और फिर एन बराबर के प्लस वन के लिए हम प्रूफ करते थे याद करो यही तो करते थे हम अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गई तो हम कहते थे कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारा सवाल सेटिस्फाई हो गया छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। चलो अब यहां पर हमने कहा कि के, के लिए हम मान के चल रहे हैं तो, यहां पे A star B की K, तो मैं लिख देता हूं पर्सनली थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि ए स्टार बी की पावर में, तो में के इज इक्वल टू ए की पावर के स्टार बी की पावर के नंबर एक नाम है? अब हमें सिद्ध करना है कि एन बराबर के प्लस वन के लिए हमें प्रूफ करना है अब यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लेना कि ये मैंने माना है अब हमें जो करना है, है वो आपको पता है कि मुझे a की पावर के प्लस वन के लिए करना है अब साफ सी बात है कि मुझे एकी एकी, a की पावर की b की पावर के प्लस वन और ये जो है आपस में मुझे बराबर बताने हैं ये तो करना है चलो भैया करते हैं आओ भैया है। समय का नंबर एक को ध्यान रखना लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों हमने कर दिया भैया कि ए स्टार बी की पावर के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन ध्यान रखना एक मिनट के लिए सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए ठीक है राधा कृष्ण कह रहे हैं कि सर आपको सर्दी नहीं लग रही है क्या सर्दी लग रही है मेरे को ना लेकिन क्या कर सकते हैं सर्दी नहीं भी लग रही है एक तरीके से क्योंकि मैंने लाइट आज एक, एक, एक एक्स्ट्रा लगा दी यहाँ पे ऊपर मेरे और वो लाइट थोड़ी बड़ी लाइट है और उससे क्या है कि थोड़ी गर्मी बनी हुई है इस यहाँ पे हालांकि लग तो रही है सर्दी लेकिन वो क्या भारी कोट हो जाता है ना फिर वो थोड़ा पहनने में अजीब लगता है मॉर्निंग में तो पहनता हूँ मैं मॉर्निंग की जो क्लास होती है ना उसमें तो कोट पहनता ही पहनता हूँ मॉर्निंग में पार नहीं पड़ती इवनिंग में काम चल जाता है चलो हाँ भाई आ जाओ तो अब यहाँ पे फोकस करेंगे एक मिनट के लिए सभी का ध्यान बोर्ड पर होगा प्यारे बच्चों ए स्टार बी की पावर के प्लस वन के लिए प्रूफ कर रहे हैं अब बताओ ए की पावर के प्लस वन स्टार बी की पावर के प्लस वन बहुत अच्छी बात है हमने कहा कि यार ए की पावर के अलग कर दो बी की पावर के अलग कर दो और ए की पावर वन और बी की पावर वन वाले को अलग कर दो समझे क्या नहीं समझे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी सी समझने वाले समझ गए नहीं समझने वाले ना समझ बैठे रहे देखो हमें क्या करना था ए स्टार बी की पावर के प्लस वन को बराबर करना था a की पावर के प्लस वन के और यहाँ पे स्टार b की पावर k प्लस वन अब ध्यान सुनना हमने क्या कहा कि मेरे पास में जो a की पावर के प्लस वन है ना तो आपको पता है कि इस a की पावर के प्लस वन को मैं टुकड़ों में तोड़ के लिख सकता हूँ a की पावर k डॉट में a की पावर 1 वैसे b की पावर के प्लस वन को लिख दो अब आपने क्या करा कि इस ए की पावर के और बी की पावर के तोड़ के लिखा एक की पावर के वी की पावर के इनको अलग कर लिया और एक की पावर और वी की पावर वन को अलग कर लिया बस यही तो किया मैंने और मैंने कौन सा अलग काम किया ठीक है अब यहां तक पहुंचने के बाद समय का नंबर एक से समय का नंबर एक मैंने लिख रखा है एक की पावर के और यहाँ पे स्टार की पावर के अपन लिख सकते हैं इसको तो लिख दिया यहाँ पे आप देख सकते हो A की पावर के स्टार बी की पावर के मेरे पास स्टार में ए प्लस बी मेरे पास था तो समय नंबर एक से क्या लिखा अपन ने यहाँ पे तो समय का नंबर एक से लिखा क्या अपन ने यहाँ पे समय नंबर एक क्या कह रहा था अपन से ए स्टार बी की पावर के ठीक है हाँ तो आप एक तरीके से एक मान सकते हो ना यहाँ पे हमने लिखा कुछ भी नहीं है अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं है मतलब हमने डायरेक्ट वही बात लिख दी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इस स्टेप को थोड़ा ऊपर करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे हमने क्या करा थोड़ा ध्यान से देखना भैया थोड़ा ध्यान से देखना हालांकि समझने वाले समझ गए हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन मैंने क्या करा जैसे ए की पावर के प्लस वन है और स्टार वी की पावर के प्लस वन है तो अब क्या करा यहाँ पर एक की पावर के है ना अलग अलग तो हमने क्या करा कि ए प्लस बी की पावर के को अलग कर लिया था यहां से नीचे और स्टार ए प्लस बी की पावर वन को अलग कर लिया ऐसे किया था अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ए की पावर के स्टार बी की पावर के समीकरण नंबर एक से लेकिन ये बात मैंने पहले लिख दी यहाँ पे ये देखो ये लिख दी ठीक है तो समझ गए ऐसी बात नहीं है चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं आ जाओ भाई अब देखो समय के नंबर एक से मैंने बात लिख दी चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए की पावर के स्टार बी की पावर के स्टार ए स्टार बी आपको पता है कि मेरा जो ग्रुप है मेरा जो ग्रुप है क्या हो गया इसको भैया नाराज हो गया कोई बात नहीं इसको थोड़ा घूम लेने दो यार इसको घूम लेने दो भैया ये नाराज नहीं होना चाहिए कमेंटमेंट कर दिया करो भैया कमेंटमेंट में आपके तुरंत पढ़ लूंगा तुरंत कमेंट करते ही पढ़ लेंगे ये मान लो आप अगर वो काम का होगा तो काम का नहीं होगा तो मैं नहीं पढूंगा पहले कह रहा हूं घूम लिया चलो अब यहां पे मैं क्या कह रहा था आपसे कि मेरा जो जी कॉमस स्टार है वो क्या था ये मेरे पास में अवेलियन ग्रुप था अवेलियन ग्रुप और आपको पता है अविलियन ग्रुप के पास में पांच प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं उसमें से एक प्रॉपर्टी आपकी होती है इसकी कोमेटेटिव प्रॉपर्टी कर्म विनिमिता गुणधर्म तो हम आगे पीछे कर सकते हैं सिक्वेंस को ठीक है हमने तो क्या करा देखो ए की पावर के इस ए को इधर लिख दिया और मतलब कहने का मतलब आप देख सकते हो कि ए को मैं ए के पास लेके आ रहा हूँ और बी को मैं बी के पास लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि आप ए की पावर के प्लस वन स्टार बी की पावर के प्लस वन तो अतः हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से अब आप देख लो ना यहाँ पे ए स्टार बी की पावर के प्लस वन है ठीक है तो अब यहाँ पे देखा हमने कि ए की पावर के प्लस वन स्टार बी की पावर के प्लस वन तो हमने क्या करा भैया ए स्टार बी की पावर के प्लस वन से हमने प्रूफ कर दिया है ए की पावर के प्लस वन स्टार बी की पावर के प्लस वन तो आप देख लो आराम से क्या दिक्कत है भैया तो इस स्टेटमेंट को लेके चला मैं ठीक है और जो आपका आने वाला जो स्टेटमेंट है उसको हमने प्रूफ कर दिया है तो वही तो करना था नहीं आई बात समझ में नहीं आई बात समझ में थोड़ा कंफ्यूज हो गए मेरे हिसाब से आ जाओ दोबारा समझा देते हैं प्यारे बच्चों एक मेरा स्टेटमेंट था ध्यान से देखना पहले ए स्टार बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन ठीक है इस स्टेटमेंट को आपको एक तरीके से प्रूफ करना है एन बराबर इंटीजर नंबर के लिए

लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ए स्टार बी की पावर के प्लस वन हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने इसको लिखा अब आपको पता है यहां पर इसको ओपन करने के बाद हम पूरा सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन लिख देते हैं आपको पता है और मुझे भी पता है और भली भांति पता है कि भैया ए स्टार बी की पावर के के लिए ये मान होगा तो ए स्टार बी की पावर के प्लस वन के लिए मान क्या होगा की पावर के प्लस वन और वही तो आपने प्रूफ किया है लास्ट में जाके अतः हम कह सकते हैं गणितीय आग्न सिद्धांत से हेंस वी कैन से फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ आपका मामला सेट हो चुका है ठीक है अब आपने कहा कि हमने दो कंडीशन के लिए काम कर लिया है एक तो मेरे पास में एन बराबर जीरो के लिए काम कर लिया एन ग्रेटर देन जीरो के लिए काम कर लिया लेकिन अब मेरे पास में एन बचा है लेस देन जीरो के लिए अब सोच लो ना सवाल का लेवल देखो आप एक बार सवाल का लेवल चेक कर सकते हो आपके सवाल का लेवल कहां पहुंच रहा है अब इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में जब आ जाते हैं ना तो देखो यार कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो कोई भी टीचर हो जब तक ऐसे सवालों को वो समझेगा नहीं कि कैसे होंगे तब तक वो सवालों को कर नहीं पाएगा लेकिन क्या है कि इस सवाल में इसका जो आंसर है ना वो याद करने की चीज नहीं है नहीं ये याद करने की चीज नहीं है इस पूरे सवाल में याद रखने की जो चीज है वो ये है कि जब आपको लगे कि अच्छा एन का मान इंटेजरक पूर्णांक के लिए करना है ठीक है और आबेली दे रखा है आपको ठीक है तो ये स्टेटमेंट दे रखा है एक तो स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और एन इंटीजर नंबर है तो एन का जो मान है जीरो ग्रेटर लेस प्रूफ करना है आंसर नहीं करना आंसर तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर प्रत्येक थ्योरम का आंसर आपको याद करना पड़ेगा नहीं गलत बात करना ही नहीं है आपको क्यों करना है नहीं करना भैया नहीं करना मतलब नहीं करना ठीक है चलो तो अब यहां पे n लेस देन जीरो के लिए मैं काम कर रहा हूं कमेंट कर देना मैं कमेंट चेक कर रहा हूं तुरंत आप सोच रहे हो कमेंट में देखता नहीं हूं कमेंट में देख रहा हूं आज कुछ भी लगे कमेंट कर देना हालांकि अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया अभी ठीक है चलो हाँ भाई आ जाओ अब यहाँ पे एन जो है लेस देन जीरो के लिए काम कर रहा हूँ मैं लेट माना एन बराबर माइनस का वन अब साफ सी बात है कि जीरो से छोटी कोई वैल्यू लेंगे तो भैया वो मेरे पास नेगेटिव आएगा ठीक है लेकिन ध्यान दो यहाँ पे एम का जो मान है वो ग्रेटर देन जीरो है ठीक है क्योंकि आप देखो यहाँ पे अब कई कंफ्यूज कि सर ये क्या कहानी है भाई देखो हमने कहा कि मेरे पास एन का जो मान है वो जीरो से छोटा है हमने तो कहा कि कोई वैल्यू है मेरे पास में एम जो कि नेगेटिव में है अब साफ सी बात है ये जो एम आपने लिया है ना पर्सनली ये जीरो से बड़ा होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना समझ गए थे आप ऐसी बात नहीं है समझदार हो लेकिन थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया फिर हमने कहा कि चलो ठीक है तो हमने कहा कि ए स्टार की पावर एन आपने कहा अब आपको बताए आपको वही स्टेटमेंट प्रूफ करना है कौन सा याद करो आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है ठीक है लेकिन इस बार हम कर रहे हैं यहां पे थोड़ा मामला अलग कर रहे हैं हम एन लेस देन जीरो की प्रूफ कर रहे हैं ठीक है मतलब करना तो आपको वही है एक तरह देखा जाए तो एक्चुअली हम लेके चले मान लो ऐसे ले लें ठीक है कुछ भी ले लो उससे क्या फर्क पड़ेगा अपन को ये प्रूफ करना है ठीक है अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे आपने कहा कि एन बराबर माइनस का एम मेरे पास में है हमने मान लिया क्योंकि साफ सी बात है एन का जो मान है जीरो छोटा लेना है तो मैंने माइनस का एम ले लिया एन की जगह माइनस का एम रखना है रख दिया अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी की पर माइनस का एम है एम को मैं अंदर लेके आ गया माइनस वन को मैंने बाहर रहने दिया ए स्टार बी की पावर एम होगा तो मैं उसको ए की पावर एम स्टार बी की पावर एम में लिख सकता हूँ ठीक है माइनस को जब मैं अंदर लेके आता हूं जैसे ये माइनस है और माइनस को अंदर लेके आऊंगा तो देखो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी आपको यहीं पे और पहले भी मैंने आपको काफी बार बता दी है फिर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा कि यार देखो बी की पावर एम पे इनवर्स स्टार ए की पावर एम के ऊपर इनवर्स अंदर लेके आओगे बी की पावर माइनस का एम स्टार ए की पावर माइनस का एम अब आपको पता है जी एक आवेली ग्रुप है तो मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं मतलब इसको इधर इसको इधर तो ए की पावर माइनस का एम स्टार बी की पावर माइनस का एम आपको पता है एम का जो मान था वो एन बराबर लिया था हमने तो ए की पावर एन स्टार बी की पावर है तो खत्म वही प्रॉपर्टी लानी थी आपको कुछ भी दम नहीं है लेकिन अब सी बात है यहां पर मैंने लिखा कि जी आवेली ग्रुप है अब आपको पता ही नहीं है कि जी आवेली क्या होता है ठीक है आपने मान तो लिया कि इसको मैंने आगे पीछे कर दिया जैसे कि यहां पे एक की पर माइनस का एम है और बी की पर माइनस का एम है इसको मैं आगे लिया इसको पिछड़े गया करना बड़ी बात नहीं है लेकिन बच्चे पूछेंगे कि क्यों किया जी मेरे पास में आभेली है अभेलियन ग्रुप है और अभेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है विनिमता नियम को फॉलो करेगा अगर उसको फॉलो करेगा तो मैं बंद करके लिख सकता हूँ इसको चलो थ्योरम प्रूफ इस थ्योरम में कहीं पे कोई दिक्कत है किसी को तो तुरंत के तुरंत अभी अभी कमेंट करके मुझे बता देंगे फिर मैं आगे चलूँगा फिर मैं आगे चलूँगा फटाफट -फ़ड़ से मुझे कमेंट करके बता दो तब तक मैं थोड़ा आराम करता हूं हाँ भाई कोई तो दिक्कत किसी को मुझे लगता है ना किसी को दिक्कत होगी बहुत ही प्यार प्रेम से मैंने आपको समझाया है थ्योरम लिखना था सर जी लिखना था मतलब नोट्स है ना आपके पास लिखने की उसकी क्या रिक्वायरमेंट है बताओ मैं जब आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो लिखने की कहाँ रिक्वायरमेंट है मुझे लगता नहीं कि लिखने की तो कहीं रिक्वायरमेंट है आपको नहीं है मत कोई दिक्कत नहीं है यार चलो आगे चले अपन अब ठीक है अब यहां पे थोरम है इस थोरम को बहुत ही आराम से पढ़ता हूं क्या कह रही है मुझे पता नहीं है और मुझे कौन थोरम याद है यदि ए तथा बी किसी समूह जी के अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए अब ये अब देखो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं थ्योरम है अब कुछ भी बना दो ऐसे तो लेकिन देखो अब आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको कुछ भी नहीं है आपका एक ग्रुप जी है और जी कोमा स्टार मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मान लीजिए कि दो एलिमेंट है एक मेरे पास में ए है और एक आपका बी है तो उस कंडीशन में आपको ये प्रूफ करना है उस कंडीशन में आपको ये प्रूफ करना है ऑर्डर ए बी बराबर ऑर्डर बी ए आपको प्रूफ करना है बस और कुछ भी नहीं कहा इसने ठीक है तो यहां पे इसको प्रूफ करते हैं अपन ए बी बराबर बी आपको प्रूफ करना है अब हमने क्या किया ध्यान देखना अब आपको पता है कि यार मेरा जो जी को में स्टार है ग्रुप है ना अब ये ग्रुप है ना ग्रुप तो ध्यान रखना अगर ये ग्रुप है तो अपने साथ में चार प्रॉपर्टी लेके चलता है उन चारों प्रॉपर्टी को माइंड में रखना और फिर आगे कुछ भी कर सकते हो आप ठीक है मोहित कह रहे हैं सर नोट्स कहाँ अपलोड करते हो यार गजब हो गया इतने दिन क्लास लेते हो गए आपको पता नहीं नोट्स कहाँ अवेलेबल है भैया नोट्स जो हैं वो अपने इसी यूनिट का जो स्टार्टिंग का लेक्चर लेक्चर नंबर फर्स्ट उसके ऊपर देखो नोट्स डाल रखे हैं मैंने वो, वो तो पता नहीं कब डाल दिए थे मैंने जब चार पांच लेक्चर हो गए थे तभी डाल दिए थे मैंने भैया कहाँ सो रहे हो आप ठीक है अब सुनो हमने क्या करा कि भाई ए बी बराबर बी ए मैंने क्या करा बी बी इनवर्स तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब करा इधर देखो इधर मेरे पास में बी बी इनवर्स वही आपके पास आइडेंटी एलिमेंट ई बन गया इधर मेरे पास बी ए इसको ऐसे कैसे दिया मैंने बी ए बी और बी इनवर्स ये ऐसे कैसे मेरे पास ठीक है दोनों तरफ हमने ऑर्डर को अप्लाई कर दिया कि ऑर्डर ऑफ बी ए बी और बी इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए ठीक है अब आपको पता है कि ये मेरे पास बी ए बी और बी इनवर्स मैं कुछ नहीं बोलूंगा कुछ पीछे का याद आ रहा हो तो बता दो तो ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए तो मेरे पास में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए एक्स बिलोंग टू जी मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो ठीक है और या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आराम से देखो समझो अगर किसी को दिक्कत है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करो चार लाइन की थ्योरम है अरे भाई ये आप कन्फ्यूज मत हो ना इसको मत लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है प्रूफ तो आपको यही करना था ठीक है चार लाइन की थ्योरम है बाकी फिर आप देख सकते हो कि क्या करा हमने और क्या नहीं किया है कुछ भी नहीं किया हमने बस आपको पता है हमें यहाँ पर ऑर्डर लगाना था ठीक है तो बस ऑर्डर को लगाने के लिए हमने थोड़े बहुत स्टेप फॉलो किए दो तीन फिर हमने ऑर्डर लगाया और ये प्रॉपर्टी आप जानते हो पीछे कि मेरे पास में अगर एक इनवर्स और उसके बीच में कोई एलिमेंट है तो हम लिख देंगे उसको ऑर्डर ऑफ ए बी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है ना कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पीछे की जो छम्स हैं दो तीन चार छम हैं हमने उसमें भरपूर सीखा है कि ये क्या हुआ था और कैसे हुआ था नहीं पढ़ा छूट गया आपकी टेंशन नहीं पढ़ा आपकी टेंशन है मेरी टेंशन क्यों है मैं तो फ्री हूँ आराम से मैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा ठीक है चलो तो यहाँ पे यहाँ तक तो नोट कर लो इसको बाकी नोट करने की रिक्वायरमेंट कहाँ है यार नोट है ना आपके पास आगे चलते हैं अपन कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो अब तब तक आराम से इसको बैठ के पढ़ो बैठ के इसको आराम से रीड करो और समझने की कोशिश करो फटाफट फटाफट समझने की कोशिश करो भैया फिर तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और मैं बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ यहीं पे है ना बैठे बैठे यहीं से पढ़ रहा हूँ मैं आप ध्यान से देख लो भैया मैं देख पा रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है भाई तो पिछले नहीं है चलो अब इस इसम को पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से पढ़ो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक ग्रुप में दसमक अवयव की कोटि एक होती है अब एक बात बताऊ आपको मैं।, मैं हर एक बच्चे के दिमाग की बात को पहचानता हूं कैसे अब कई बच्चे क्या कहेंगे सर एक बात बताओ इतनी सारी थ्योरम्स है ना अब इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी तो याद करें कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन सा हो जाता है भाई मैंने क्या कहा था आपसे एक दिन वो जो शॉर्ट नोट्स आपसे मैंने बनवाए थे ना वो वेस्ट नहीं जाएंगे आप सोचो कि मैंने बहुत मजबूरी में आपसे बनवाए थे कई उन्होंने नहीं बनाए होंगे तो जिन्होंने नहीं बनाए ना कुछ मत हो भैया क्योंकि मेरे को उससे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं अब जिन्होंने बना लिए ना देखना कितना ईजी हो गया उनके लिए थुरम याद करना बहुत ईजी हो गया और जिन्होंने नहीं बनाया अरे वो सोच रहे हैं अरे कुछ नहीं है फालतू तो की फैकल हो जाइए यार थुरम याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर ये काम आप कर लेते ना आप कहीं करा भी है तो आप देख लेना कितना इफेक्ट पड़ेगा जिन्होंने कर लिया ईमानदारी की बात है वो बहुत ही खुश हो गए अब थ्योरम्स को पता है कि कौन कौन सी हो गई अब ये अब थ्योरम जो आपने देख रहे हो यहाँ पे कि आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि तत्समक अवयव की कोटि एक होती है तथा केवल तत्समक अवयव ही एक कोटि का अवयव है ये भी प्रूफ करना है ये प्रट द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इज वन एंड इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन मतलब कहने का मतलब यह है कि तत्समग अवयव की जो कोटी होगी ना वो एक होगी और ये भी प्रूफ करना है कि पूरे ग्रुप के अंदर केवल एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोटी एक होती है बस ये स्टेटमेंट है अब इसमें तो ये मान के चलो कि मैं बताऊँ नहीं बताऊँ ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो आई थिंक है ही नहीं कुछ ही नहीं है इसके अंदर देख लो आराम से कोई दिक्कत हो तो बता देना मैं बैठा हूँ यहीं पे। मैं कहीं गया नहीं हूँ भैया और टेंशन मत लिया करो एक दो दिन का गैप हो जाता है उसमें हालांकि बच्चे टेंशन लेते भी नहीं है थर्ड ईयर के मस्त रहते हैं आराम से तो टेंशन नहीं है उनके तो वो कह रहे हैं गुरु जी आराम छुट्टी करा करो ऐसे मत कहो भैया ना मैं फिर आपको पता है एक बार छुट्टी करने लग गया ना फिर मैं छुट्टी बहुत करता हूँ हाँ भाई चलें अब आगे ठीक है इससे कोई कमेंट आया है किसी का भी नहीं है मतलब किसी को डाउट ही नहीं है वाह भाई मोज करा दी ये तो बहुत अच्छी बात है आ जाओ भाई अब यहाँ पे मैंने थ्योरम तो समझा दिया आपको कि थ्योरम क्या कहना चाहती है ठीक है एक मिनट रुको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी नहीं है ना ठीक है अब मेरी बात सुना ध्यान से मैंने कहा कि थ्योरम तो मैंने आपको समझा दी थ्योरम यह कहना चाहती है कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना इसका ऑर्डर वन होगा और ये भी बताओ कि केवल एक अवयव एक अवयव ऐसा आपका ई ही है जिसका ऑर्डर एक होता है ठीक है समझ गए आप अब देखना इसका प्रूफ कैसे करना है लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिखो कि माना जी ए ग्रुप है एवं ई इसका तस्वय है लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई e डेस बराबर में ई e, ठीक है तो ऑर्डर ऑफ ई बराबर मेरे पास वन अब यहां पे देखो मेरे पास सुनो अब देखो ध्यान सुनना समझना लिखना बहुत बड़ी बात होती है सुनना ध्यान से हमने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर एन हो और अगर ई बन जाए तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन अब हमने कहा कि यार मेरे पास ई वन बराबर ई भाई ई बराबर इस क्या होता है ई के अब साफ सी बात है ई की पावर वन है और ई बन गया तो ऑर्डर ऑफ बताओ भाई मैंने कुछ गलत कहा तो कुछ गलत नहीं कहा बस ये याद होना चाहिए था आपको। आपको उसके बाद लेट माना कि बराबर दे रखा है, ठीक है? ठीक तो आप यहां पर A की पावर वन मतलब ऐसे मान लो आपने लेट किया है ठीक है ये लेट किया है आपने यहाँ पे e की जगह ए मान लिया कोई फर्क थोड़ी है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर वन मेरे पास मान लिया तो ए की पावर वन बराबर में ई e, ए बराबर में ई e, तो आप देख सकते हो कि ए है वो नॉट इजिबल टू किसके होगा e के होगा अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो ई e के बराबर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि भैया आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपका ए की होगा ना ये सपोज करो आपका डॉट प्रोडक्ट है अब डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भैया वन होता है प्लस के लिए जीरो होता है तो यहां पर ए जो है ए इसका मान तो मैं एक दो तीन चार पांच कुछ भी ले सकता हूं तो फिर वो ए है वो इसके बराबर कैसा आ सकता है नहीं आ सकता ठीक है मोहित कह रहे सर बफरिंग हो रही है बार बार ठीक है बफरिंग हो रही है क्या एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुक जाओ सारे बच्चे अगर बफरिंग हो रही है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भैया थोड़ा पेशेंस रखो भैया अब चेक करो अब चेक करो अब चेक करो अब चेक करो सारे अब चेक करो अगर हो रही है तो चेक कर लो फटाफट से अभी के अभी बफरिंग हो रही है तो अभी के अभी चेक करो दोबारा से सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो भी लाइव देख रहा है वो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि बफरिंग अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है हाँ भाई हो रही है नहीं हो रही होगी अब तो यार ठीक है चलो वो क्या है कभी कभार नेट थोड़ा फ्रैक्ट होता था, था यार अब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में फ्रैक्चुलेट ठीक है हाँ भाई ठीक है अब नहीं हो रही होगी थोड़ा देख लेना आप थोड़ा सा लेट आता है ना तो देख लेना अपने साथ तो हमने कह दिया ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो चुकी है बस इतना सा प्रूफ है इसका आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा प्रूफ है कुछ नहीं है बस हो चुकी प्रूफ थ्योरम ठीक है ना बात समझ में आ गया तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं इसमें कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट कर देना मैं यहीं पर हूँ अगर किसी को दिक्कत हो तो बाकी नहीं है इसके अंदर चलो अब ये मेरी अगली थ्योरम है एक ही मिनट के अंदर इसको पढ़ देते हैं और इसका आंसर कर देते हैं आओ भैया किसी परिमित ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है अब पहली बार पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आया कि किसी भी परिमित ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। दूसरी बार पढ़ने से कुछ समझ में आया मैंने देखा कि यार मेरे पास एक जी है जी को मैं स्टार मेरे पास में एक ग्रुप है लेकिन ग्रुप के साथ साथ में और भी कुछ है कैसा है भैया परिमित ग्रुप है परिमित मतलब फाइनाइट ग्रुप है और फाइनाइट का मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे ना वो फिक्स होंगे पहली बात क्लियर दूसरी बात ये कह रहा है कि इस जी के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट होंगे ना उन एलिमेंटों का ऑर्डर जो होगा उनकी जो कोटी होगी वो भी आपके पास में फाइनाइट ही होगी परिमित होगी ठीक है किसी परिमित ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है मतलब ये बता है आपको तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या ग्रुप की कोटि से कम होती है अब समझे आप कुछ नहीं समझे ठीक है मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि यह मेरे पास में ग्रुप जी है अब बहुत ही एग्जाम्पल के साथ समझना एक ही बारे में समझा जाएगा आपको हो गया गुरु जी मजा आ गया देखना आप मेरे पास जी स्टार एक ग्रुप है एक बड़ा ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर सपोज करो मान लो कि दस एलिमेंट हैं दस अवयव हैं अब ऑर्डर क्या होता है कोटी क्या होता है कोटी होती है भैया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं दस एलिमेंट है इसकी कोटी होगी ठीक है तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास कितना आ गया दस आ गया ठीक है और इसके अंदर इस जी कोम स्टार के अंदर जो अवय प्रजेंट है उन अवय की अगर मैं कोटि निकालूंगा ऑर्डर निकालूंगा तो ये तो है नहीं कि उनकी कोटि का मान दस से ज्यादा आ जाएगा दस से ज्यादा आ जाएगा हाँ ये हो सकता है कि मेरे पास में हमेशा ऑर्डर ऑफ जी का जो मान होगा हमेशा बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से मतलब इसके अंदर वन टू थ्री वन जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंटों का ऑर्डर हमेशा कम होगा ऑर्डर ऑफ जी से आपके ग्रुप से अब यार साफ सी बात आपका ग्रुप बड़ा है बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो कभी कभार मान लो कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएं लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि ऑर्डर का एलिमेंट जो है वो बड़ा आ जाएगा किससे ऑर्डर ऑफ ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है ऐसा वो प्रूफ करवा रहा है मुझसे देख लो आराम से कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप बताओ ठीक है चलो हाँ भाई और मोहित कमेंट करें बी एस ईयर में कितने बच्चे हैं सौ तो दो हजार पंद्रह सौ दो हजार कहां है यार तो दो सौ बच्चे हैं अरे मैं बताऊं आपको ईमानदारी की बात ये है कि अपने ईमानदारी की बात तो ये कि मुझे भी पता नहीं है कितने बच्चे हैं लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पंद्रह से बीस हजार बच्चे तो होंगे ही होंगे बच्चे कह रहे सर कम फेंको इतना मत फेंको <laughs> अरे थोरम पे दान दो आप यार क्यों मुझे ले रहे हो आप? आपका काम यह है कि न्यू ईयर जितने भी बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम बच्चे कनेक्ट करवाने हैं कान खोल कर सुन लो आप तो नहीं तो फिर मैं सिलेबस नहीं करवाऊंगा ठीक है सिलेबस मैं छोड़ दूंगा बीच में सिलेबस नहीं करवाएंगे फिर आपका पूरा सिलेबस नहीं करवाएंगे अगर बच्चे कनेक्ट नहीं करवाए तो हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर ठीक है अभी आपका ऑफर स्टार्ट होगा इकतीस तारीख से इकतीस एक, एक और दो ठीक है तो प्यारे बच्चों आप देख लो ध्यान से फिर हम क्या कहना चाहती है ठीक है बात समझ में आ गई आपको चलो तो किसी ने भी कुछ पूछा नहीं है मेरे से अभी तक कि सर क्यों अच्छा मोहित कह रहे सर फिर से समझाओ मामला बैठा नहीं देखो बहुत अच्छी बात है आपने कमेंट किया कि सर आपको समझ में नहीं आया बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो मैं बैठा हूं ना मैं क्यों बैठा हूं देखो आओ मुझे लगता है कि दोबारा बताना पड़ेगा देखो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मेरे पास में एक ग्रुप जी कॉमे स्टार है और इस जी कॉमे स्टार के अंदर दस एलिमेंट है दस अवयव हैं। अब ये भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं क्योंकि हेडिंग लिखो यहां पे कोटी ऑर्डर कोटी ऑर्डर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी आपको कि ऑर्डर ऑफ या फिर ए की पावर एन बराबर में ई या फिर ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन बच्चों को यही डेफिनेशन पता है अरे भैया कोटी का मतलब ये भी होता है कि जो आपका जी कोमा स्टार है और सपोज करो इसमें दस दस एलिमेंट है दस अवयव है तो ये मेरे पास में जो दस एलिमेंट हैं दस अवयव हैं तो ये कितने हैं दस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं दस तो ऑर्डर ऑफ जी का जो मान होगा वो दस होगा ये है कहानी तो मैं आपको यही कह रहा था कि मेरे पास दस अवयव हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी का मान कितना होगा दस होगा तो ऑर्डर ऑफ जी का जो मान होगा ना वो हमेशा बड़ा होने वाला है अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ आपको मैं समझ में आ गई ना कहानी ये अब इसको मिटा के फिर देखना आप समझ तो में और भी शानदार रहेगा ना ध्यान से हमने कहा कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी है उसमें या फिर एक काम करो आप ऐसा लिख लो थोड़ा सा मजा आ जाएगा अरे मिट जा ऐसा नहीं मिटा इसे मिटा दूंगा मैं इसको मिटा दो हाथ गर्म हो जाएंगे क्योंकि बोर्ड गर्म है हाथ भी गर्म हो जाएगा अब सुनो भाई मेरे पास में जो आपका जी को स्टार है ना इसमें एलिमेंट है मेरे पास में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ जी कितना है भैया दस क्योंकि इसमें दस एलिमेंट हैं ठीक है अब ध्यान सुनना ये थ्योरम आपसे ये कह रही है कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अब एलिमेंट को आप एक काम करो नीचे लिख है ना ऐसे शो कर दो आप क्योंकि ई मतलब फिर आप समझ जाओगे आइडेंटी एलिमेंट ठीक है तो हमने क्या कहा कि मेरे पास हमेशा ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ऐसे हमेशा बड़ा होगा अब प्रैक्टिकली आप देख भी लो ना एग्जाम्पल के अंदर कि भाई इस अकेले जी जीकोम स्टार का ऑर्डर कितना है दस ठीक है अब आप ये बताओ ये जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है अब इस किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालोगे तो किसी का वन टू कुछ भी आएगा मान लो मुझे पता नहीं है लेकिन फिर भी इस ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा नहीं है मतलब दस को क्रॉस नहीं कर पाएगा ना ठीक है इक्वल टू का सन लगा लेते हैं अपन लेकिन फिर भी ये हमेशा बड़ा ही होता है अब बताओ भाई हाँ भाई अबे मेरे को भी कोचिंग पढ़ाना है अच्छा 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 <laughs> चलो भैया बहुत अच्छी बात है बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही शानदार हाँ भाई समझ में आ गया भैया अरे बाकी के सो गए क्या रजाई होड़ कर सो रहे बाकी के ये फिर पढ़ रहे हो पढ़ तो रहे होंगे ऐसी बात नहीं है रजाई होड़ कर तो नहीं सो रहे होंगे पढ़ाई तो कर रहे होंगे कि कर रहे होंगे भैया ऐसी बात नहीं है चलो अब सुनो भैया आदत है थ्योरम के प्रूफ के ऊपर देखो फॉर्मलिटी करना है कर लो भाई माना जी एक परिमित ग्रुप है अर्थात ऑर्डर और ऑफ जी बराबर एन

अब देखो आपको पता है साफ सी बात है कि भाई जी का एक सौ अच्छा है ए तो ए की पूर्णांक घात पर विचार करते हैं थिंक अबाउट ऑन इंटेजर नंबर ऑफ a देखो लेट a बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ g देन डिस्कस इंटेजर पावर ऑफ a तो ए की पावर जीरो मेरे पास में है ई e, ए की पावर वन ए की पावर टू ए की पावर थ्री ए की पावर वन का वन ए की पावर वन कुछ भी हो सकता है ठीक है अब आप थोड़ा समझ लो इसको कैसे इसका प्रूफ करने वाले हैं ध्यान समझो भाई आपको पता है कि हमने क्या कहा कि मेरे पास में ए जो है ना वो क्या है आर्बिट्री पॉइंट है एक स्विच बिंदु है जी कोमा स्टार से हमने क्या कहा कि इस ए की इंटीजर पावर पूर्णांक घाते अब ए की पावर जीरो भी कर सकता हूं मैं ए की पावर वन ए की पावर टू ए की पावर थ्री आगे तक चलते जाओ ना कहाँ तक पहुंचे अपन ए पावर एन माइनस का वन और ए की पावर एन तक यहां तक पहुंच सकते हैं आगे भी पहुंच सकते हैं ए की पावर एन प्लस वन लेकिन उनसे काम नहीं है हम a की पावर एन तक पहुंच गए ठीक है अरे इसको ऐसे मिटा रहे आप चलो अब एक बात ध्यान रखना कि ए की पावर जीरो जो होगा वो आपका ई के बराबर भी होगा अब ये कहाँ से आ गया भैया ठीक है अब यह बात आपके समझ में आ गई ठीक है अब ध्यान सुनना जो कि संख्या में एन प्लस वन अवयर एन प्लस वन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अब आप देख सकते हो कि यहां पर एन प्लस वन तो क्यों कहा जा रहा है क्योंकि भाई देखो यहां पे एलिमेंट है एक ही पॉल जीरो एक ही पर वन टू थ्री और यहां पे एन तक पहुंच रहे हैं तो साफ सी बात है आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक के कंप्लीट जो एलिमेंट है ना वो है एन एलिमेंट एन पद या फिर आप कह सकते हो टर्म मेरे पास में है एन टर्म में मैं एक टर्म और जोड़ दूं कौन सा ए की पावर जीरो या फिर ई e वाला तो ये टर्म बन जाएगा आपका एन प्लस वन हर एक बात का मतलब मैं आपको बता रहा हूं यहां ठीक है चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कि संख्या में एन प्लस वन अवयव है अतः a की पावर आर बराबर a की पावर एस ठीक है अब आप ये देखो मेरे बात सुनो अब आप ये सोचो कि सर एक बात बताओ ये कहाँ से कौन सा मेथड हमने पढ़ा नहीं है ठीक है न, अच्छा अच्छा कमेंट आ रहे हैं कि नहीं सोए रहे हैं अभी ठीक है चलो अच्छी बात है अब यहां पे सुना अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर पता नहीं ये क्या एक की पावर आर एक की पावर एक्स क्या लेके आ रहे हो ये मेथड हमने पढ़ा नहीं कभी सुनो ये कोई मेथड नहीं है जैसे आपने कहा कि एक ही हमने इंटीजर पावर के बारे में डिस्कस करा है तो हमने क्यों किया हमने कुछ काम के लिए किया होगा ना ठीक है हमने कहा कि एक की पावर डिस्कस करी एक की पावर जीरो वन टू थ्री फोर तो वन से लेकर एन तक के टर्म हो गए एन टर्म उसमें हमने जीरो और जोड़ दिया तो कितना बन गया हमारे पास में एन प्लस वन बन गया है कि नहीं है ठीक है अब ध्यान से देखना हमने फिर वही पावर के हिसाब से डिस्कस किया कि कि हमने कहा की 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 पावर R और A की पावर 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 और और नहीं है, की पावर है और की पावर दोनों बराबर है जहां पे आर का जो मान है वो एस से छोटा है और इस प्रकार की कुछ कंडीशन आप लगा देना ठीक है अब उसके बाद हमने कहा कि भैया एक की पावर आर को हमने एंटर करवाया माइनस आर को दोनों तरफ तो देखो एक की पावर जीरो बराबर ए की पावर एस माइनस का आर ए की पावर जीरो हम आईडेंटी एलिमेंट लिख सकते हैं इसको देखो ए की पावर एस माइनस का आर बराबर में ई तो यह साफ सी बात है किसी भी एलिमेंट की पावर कुछ भी हो अगर ई बराबर आ जाता है तो ऑर्डर ऑफ ए एस माइनस का आर मेरे पास आ जाएगा और आपने कहा कि एस मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि एस बड़ा है किससे आर से बड़ा है आर मिनिमम एस मेरे पास मैक्सिमम तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास में यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू में बात कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की तो वो कितना आ गया एन मेरे पास में अब बहुत सारे सवाल है यहाँ पे सवाल ही सवाल आप लेके चल सकते हो यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे एन कैसे आया भैया शुरुआत में ही आपको बोल दिया था या फिर आपको गिवन था कि मेरे पास जी कॉमर स्टार स्मॉल जी मत बनाना भैया कभी गलती मत कर देना कैपिटल जी आएगा कैपिटल जी स्टार जो मेरे पास ग्रुप है उसके पास में फाइनाइट एलिमेंट हैं कितने एन ठीक है तो यहाँ पे इस एस का जो मतलब है वो है आपके पास में मैक्सिमम तो ये बताओ भैया कि मैक्सिमम मेरे पास में कितने एलिमेंट हो सकते हैं जी स्टार के अंदर एन हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं जीरो तो एस का मतलब है मैक्सिमम आर का मतलब मिनिमम पूरी कहानी खत्म और कितने सवाल बचे हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन तो ये रहा एक क्वेश्चन ये है और उसके बाद में आपका साइकिलिंग ग्रुप स्टार्ट फिर आपका चक्रीय ग्रुप स्टार्ट हो गया हाँ भैया करवा देते हैं फटाफट नहीं फिर उसके बाद में कल हम साइकिल ग्रुप चालू करेंगे ठीक है तो फटाफट इसको देख लो भैया इस पूरे थ्योरम के अंदर हमें केवल दो ही बातों का ध्यान रखना है क्या रखना है कि भैया सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हम क्या करने वाले हैं हमने कहा कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए का जो मान है वो भैया छोटा बताना है किसे ऑर्डर ऑफ जी से हमने कहा कि यार मेरे पास में जी कॉमर स्टार एक ग्रुप है ठीक है उसमें एन हमारे पास में फाइनाइट एलिमेंट है इसी ग्रुप जी के अंदर कोई आर्बिट्री एलिमेंट मेरे पास में ए है स्वेच्छ अवयव स्वेच्छ अवयव मेरे पास में है कोई अब उस स्वेच्छ अवयव को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कहा कि हमने इसके कुछ पावर्स पे हमने बातचीत करी जैसे ए की पावर जीरो बराबर में ई और ये पावर, कौन सी है? पावर। कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया चलो ठीक है हमने कहा कि, ये पावर हमारे पास थी। इसी पावर थ्योरम का यूज करते हुए हमने कहा कि एक की पावर आर का जो मान है वो तो एक की पावर एस के बराबर होगा ये एक तरीके से आप कह सकते हो लेट करके चले हम जहा पे आर का जो है छोटा है एस से एस मैक्सिमम और आर मिनिमम ठीक है बराबर लेके चले दोनों तरफ एक ही आर से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने ये रहा आपके पास प्रूफ। उसके बाद आप देख सकते हो क्या कहा क्या नहीं कहा सब कुछ आपके सामने है कंप्लीट आपके सामने लिखा हुआ है पूरी बातें मैंने यहीं पे लिख दी किसी को डाउट है तो बता सकते हो भैया एक काम करते हैं ना अभी फिर ये कल की क्लास में ख़त्म कर देते हैं अपन क्योंकि तो क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे भी और मैं आगे जो सवाल करवाने वाला हूँ आपको वो सवाल एग्ज़ाम में आने का दम रखता है तो हो सक हो सके तो हम उनको कल करें फिर अपन हो सकता है तो क्योंकि वो क्या है कि भैया थोड़ा समझो सवाल इम्पोर्टेंट है और करना ज़रूरी है उसको नहीं करेंगे तो भैया आ, आ सकता है दो हज़ार तेईस के अंदर और फिर क्या है अभी थोड़ा आपका दिमाग कम चल रहा है मुझे पता है और कम चल रहा है तो फिर समझ तो में भी नहीं आएगा आपको मुझे पता है चलो यहाँ तक किसी दिक्कत है तो अभी कमेंट कर दो तुरंत फिर हम कल ही पढ़ेंगे ठीक है अब पढ़ेंगे अपन कल पढ़ेंगे तो जो भी दिक्कत है किसी को अभी तुरंत मुझे कमेंट कर दो कमेंट के माध्यम से मैं देख रहा हूँ भैया हर एक की बात मेरे पास पहुँच रही है बीरबल कह रहे थे कि सर क्लास कब ख़त्म होगी क्लास आपकी कहते मैंने ख़त्म कर दी है बच्चे परेशान होने लग जाते हैं हालांकि जब छुट्टी होती तब तो नहीं कहते कि सर छुट्टी क्यों हुई थी लेकिन जब क्लास बढ़ी लेते हैं बच्चे कहते हैं कि सर अब काफ़ी आज के लिए हाँ तो काफ़ी है यार मैंने भी सोच लिया चलो ठीक है यार कोई बात नहीं इतना काफी आज के लिए हाँ भाई आराम से बैठो मस्त कोई दिक्कत है तो कमेंट करो कमेंट तो किसी का नहीं रहे हैं भैया मैं देख सकता हूं क्वालिटी तो एकदम शानदार आती है आजकल यार चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो क्वालिटी में काफ़ी इंक्रीजमेंट हो चुका है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो